हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स इन स्पेस। आज हम शेयर करेंगे क्यूपिया हाइसोपिफोलिया प्लांट, जिसको मैक्सिकन हैदर या पाल्स हैदर भी कहते हैं। इस पौधे पर छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और ग्रीन और पर्पल का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। ये प्लांट हेज की तरह ग्रो किया जाता है, आपने पार्क में देखा ही होगा। इसकी थोड़ी बाउंड्री बना करके रखते हैं पार्क में और छोटी छोटी श्रब्स होती हैं, उसको पूरा लाइन से आप ग्रो करेंगे तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये प्लांट बेकार होने लगा था, तो इसको ठीक करना और क्या कारण होते हैं इसके बेकार होने के, यही आपसे शेयर करना है। और इसके जैसे जो भी प्लांट्स हैं उनको कैसे ठीक रखें जो बेकार होने लगते हैं। तो ये जो प्लांट है, जब हमने नर्सरी से लिया था तो आपसे शेयर किया था वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। तो ये छोटे थर्मोपॉट में लगा हुआ था और बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा था, पत्तियाँ भी इसकी सूखने लगी थी। तो फिर हमने इसको एक मिट्टी के पॉट में शिफ्ट कर दिया और ऊपर से अच्छा इसमें पॉटिंग मिक्स फिर से भर दिया। वैसे तो ये इतना कोई खास देखभाल की इसको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पानी पर इस पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पत्तियां झड़ चुकी हैं और फ्लावर्स भी नहीं हैं प्लांट पे, लेकिन कुछ दिन बाद का रिजल्ट आपसे शेयर करें तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ प्लांट में धीरे धीरे होने लगी है और प्लांट फिर से ठीक होने लगा है। इस प्लांट के बेकार होने का जो मेन रीज़न था, यानी जो कारण था, वो था सॉइल में ओवर मॉइस्चर, यानी कि ज़्यादा नमी। ये जो प्लांट है मैक्सिकन हैदर, इसको बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसको नमी अच्छी लगती है केवल उतनी जितनी इसको ज़रूरत है। नहीं तो इसकी सॉइल अगर ज़्यादा गीली रहेगी तो उनमें रूट्स जो हैं वो गलने लगेंगी और ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो अब जैसे हमने सॉइल इसकी चेंज कर दी, अब फिर से प्लांट ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि शब जैसा प्लांट है, ये कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। साल में 3 या 4 बार मिट्टी की गुड़ाई करके आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी मिला दीजिए, उसी में ही चल जाता है। ज़मीन में तो इसको फर्टिलाइज़र की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो इस प्लांट को हमने कौन से पॉटिंग मिक्स में लगाया था, उसके लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, जब ये प्लांट हमने नर्सरी से लिया था। तो फिलहाल अब प्लांट धीरे धीरे ठीक होने लगा है। जितनी भी डेड ब्रांचेज हैं जो ब्राउन हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, उसको कट कर दीजिए तो प्लांट देखने में भी सुंदर लगता है और ग्रोथ भी उसमें जल्दी और अच्छी होती है। और एक बात, इस प्लांट के लिए गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की गुड़ाई आप हर एक हफ्ते में, यानी 1 वीक में एक बार आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कीजिए। इससे क्या है, जो ओवर मॉइस्चर है, ज़्यादा नमी जो है वो टाइम टू टाइम उड़ती रहती है, सूरज की रोशनी से एवोपोरेट हो जाती है, तो उससे क्या है, ओवर मॉइस्चर सॉइल में नहीं रहता है और प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाता है। इस प्लांट को अगर मिट्टी में ज़्यादा सूखापन भी होता है तब भी ग्रोथ नहीं करता है ये। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपका प्लांट बेकार हो रहा है तो सबसे पहले ये देखिए कि सॉइल में ओवर मॉइस्चर है, यानी ज़्यादा नमी है, या पानी कम है, मिट्टी ज़्यादा सूख गई है। दो कारण की वजह से ये प्लांट बेकार होता है। अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हमारा प्लांट एकदम से सूखने लगा है, बारिश हुई है, बारिश के बाद से अचानक प्लांट मुरझाने लगा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जब भी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि प्लांट अचानक मुरझाने लगता है और सॉइल में बहुत ज़्यादा नमी हो गई है, बारिश हुई है, या आपने ज़्यादा पानी दे दिया है, तो ऐसे में हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसको रिपॉट कर देना है नए पॉटिंग मिक्स के साथ। यानी कि जो मिट्टी उसमें बनी हुई है उसमें तो ओवर मॉइस्चर हो चुका है, तो आप नई मिट्टी तुरंत बनाइए और तुरंत पौधे को रिपॉट कर दीजिए और 2-3 दिन छाया में रखिए और उसको पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। यानी बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना दीजिए कि हल्की सी नमी रहे। आपका प्लांट दोबारा ठीक हो जाएगा। जो मुरझाई हुई पत्तियां हैं वो एक बार को झड़ भी सकती हैं, तो उसको लेकर परेशान ना हो, लेकिन प्लांट को डिस्टर्ब ना करें, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैक्सिकन हैदर प्लांट के लिए एक बात का ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल छाया वाली जगह पसंद नहीं होती है, या जहाँ कम धूप आती है वो जगह इसको पसंद नहीं है। कम से कम 3 घंटे की धूप प्लांट को ज़रूर मिलनी चाहिए डायरेक्ट, बाकी प्लांट अच्छे से इसी में ही ग्रोथ करता जाएगा। तो अब हमारा प्लांट बिल्कुल ठीक है, न्यू ग्रोथ भी है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका कोई प्लांट बेकार हो रहा है तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हमें फोटो शेयर कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।